नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़ में। और वक्त हो चला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों का। तो देखिए, रेवाड़ी में एक लेडी डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। रेवाड़ी में एक न्यूरो सर्जन पर लेडी डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सिटी थाना में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। देखिए आप पूरी खबर बताते हैं। रेवाड़ी शहर में खुद का अस्पताल चलाने वाली 33 साल की लेडी डॉक्टर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब 1.5 साल से वह शहर में ही अस्पताल चला रही है। वहीं न्यूरो सर्जन डॉक्टर SN मणिकानंद उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनके मोबाइल पर गलत तरीके से मैसेज भेजे गए हैं, अश्लील मैसेज भेजे गए हैं। साथ ही उन्हें रात में खुद के साथ सोने का ऑफर भी दिया गया है। इतना ही नहीं, महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया कि उनकी अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ के जरिए उन पर नज़र रखी गई। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने स्टाफ से उस व्यक्ति को हटा भी दिया। आरोपी के बाद में आरोपी डॉक्टर ने उसे अपने पास अस्पताल में रख लिया। महिला डॉक्टर का आरोप यह भी है कि जब कभी उन्हें रात के लिए अस्पताल में डिलीवरी के लिए जाना पड़ता था तो आरोपी डॉक्टर उनका पीछा करते थे। ये सारी बात उन्होंने उनकी पत्नी को भी बताई। इसके बाद उनकी 8 साल की बेटी को मरवाने की धमकी भी मिली है। शिकायत लिख ली गई है। सिटी पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ धारा 354A, 354D, 506 के तहत केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। जब ऐसे जो डॉक्टर है, आरोपी डॉक्टर है, उससे बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये लेडी डॉक्टर पहले ही लिंग जांच के मामले में जेल जा चुकी है। वो इस तरह का झूठा आरोप उसके साथ लगाया जा रहा है। मेरे कोई दोस्त नहीं है और मुझे केस दर्ज होने के संबंध कोई जानकारी भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो जांच की जाएगी और सब कुछ सामने आ जाएगा। ये सब बात जो आरोपी डॉक्टर हैं उन्होंने बताई है। आपको क्या लगता है कि कौन आरोपी होगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की खबर यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते रहे हिमाचल को, देखना बोले। धन्यवाद।